अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज के जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को इंस्टेंट सी आलू की भुजिया सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको 2 अदद टमाटोज चाहिए। और मैंने अलग से ज़ीरा और लहसुन, थोड़े से लहसुन को पीस लिया है। ये सारे मसाले हैं जिनमें नमक है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट, ओके। और आपने क्रश चिलीज़ लेनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने वीडियो भी बना ली ताकि आप लोग देख लें अगर मैं नाम गलत लूँ। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पैन में जल्दी से ऑयल डालती हूँ। ये सारे आपने अपने अकॉर्डिंग टू जो भी क्वांटिटी आप लेते हैं वो रखनी है, बिकॉज़ मैं इतनी कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे सारे तरीके सारे पता हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ मैं कितने कितने डाल रही हूँ, आप हिसाब लगा लें। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उसे कट कर दिया। और अब मैं इसे इतना फ्राई करूँगी कि इसके दोनों साइडेड ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन जलने नहीं यार, और ज़्यादा डार्क कलर भी ना हो, ठीक है। नाउ फ्राई 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 फ्राई, ठीक है। इसे अच्छे से फ्राई करना है, आपने स्पून की मदद से चलाते रहना है, क्रिस्पी होने चाहिए, ऐसे ख़राब ना हो जाए। तो अब हो गए हैं 10 मिनट, 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया हल्के फ्लेम पर। तो इसका यह आया है कलर, और मैं आपको फ्लेम भी दिखा दूँगी मैं किस फ्लेम पर इसे फ्राई कर रही हूँ, इतने कम फ्लेम पर, ठीक है। बिकॉज़ अगर ये काला हो गया तो मेरे सालन काले हो जाएंगे, और ये काला नहीं हुआ, ये इस तरह का हुआ है, आपका भी इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें फिर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, जो मैंने अलग से इसको कर लिया था ग्रेंड। नाउ अभी कलर को इतना प्यारा सा हो गया, और इतनी हसीन खुशबू आ रही थी उस वक्त। बाय द वे, व्हाट इज़ हसीन, बट जो खुशबू अच्छी होती है आई कॉल इट हसीन। तो मैं इसे स्टेयर करूंगी, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटोज ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। मैं कोई एक्सेस वाटर ऐड नहीं करूंगी, ये अपने ही पानी में होगा। और मैंने टमाटो ऐड कर दिए हैं, थोड़ी देर बाद की ये वीडियो है। और इसमें आप देखें टमाटो के चंक्स जो हैं वो अब गल गए हैं, और ये अपने ही पानी में हुए हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी, देन उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी, वो सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। और बेहतर है आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें, बिलीव मी बहुत ही यमी बना था, और आप लोगों के साथ मैंने इसीलिए शेयर किया बिकॉज ये बहुत यमी बना था। सो यू ऑल हैव टू ट्राई दिस, ठीक है। नीचे से हमारा मसाला अभी डालेंगे, सालन हमारे जले नहीं, इसलिए हम इसे मुस्तकिल चलाते रहेंगे। और अब मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दे रही हूँ एक साथ ही, क्योंकि मैंने क्वांटिटी वाइज निकाल के इसे रख लिए थे और आप लोगों को दिखा दिए थे। चलें जी, ये सारी चीज़ें ऐडअप हो गई। ऐडअप होने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला मेरे जले नहीं, हमने जलाना नहीं है, वरना बहुत ही बैड टेस्ट आएगा और शक्ल भी बुरी आएगी। मिक्स 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 मिक्स। मैंने कोई भी पार्ट इसका फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं रखा है। चले जी, थोड़ी देर बाद वापस आया, और हमने आलू इसमें ऐड कर दिया। आलू जो मैंने इस तरह की कटिंग करके पानी में रखा हुआ था ताकि काले ना हो, मैंने ऐड कर दिया। अब सब चीज़ जा चुकी है, आलू ऐड करके आपने स्टीम देना है इसे 15 मिनट के लिए जी। तो लास्ट में मैंने इसमें मोटी मिर्च और हरी धनिया, कुटा हुआ हरी धनिया, ये कह के बड़ा मज़ा आता है, कुटा हुआ हरी धनिया डालकर, कुटी और कुटा वट एवर, सो डालकर मैंने इसे अब थोड़ी देर के लिए इसे स्टीम दूंगी, और ये तैयार। आप चेक करें कितना यमी है, और बहुत ही इंस्टेंट बना है ये। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ का टाइम हुआ। रेसिपी पसंद आई तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने कुछ नया सीखना है तो मुझे कमेंट करिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी बहन तूबा को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।